स्वयंसेवक संघ की ओर से शहर के यशवंत स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के अवसर पर शहर के बाल स्वयंसेवकों के लिए नवोद्वेष शारीरिक प्रात्यक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी कार्य में निपुण की उपासना करना और सिद्धांत को आदर्श मानकर उसका पालन करना बहुत कठिन कार्य है। फिर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पिछले 9 दशक से यह कार्य शुरू है। संघ ने स्वयंसेवकों के लिए कोई व्यक्ति नहीं बल्कि सिर्फ भगवा ध्वज ही आदर्श है। यशवंत स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में विदर्भ प्रांत संघ चालक राम हरकरे, महानगर संघ चालक राजेश लोया, सर संघ चालक श्रीधर गाड़गे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। भागवत ने कहा कि वर्तमान में काफी लोग सगुन उपासना की आवश्यकता महसूस करते हैं। ऐसा है तो बच्चों के सामने हनुमान एवं छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को रखा जाना चाहिए। पहले से अंत तक इस कार्यक्रम को देखने के बाद कुछ बोलना अगर बाकी है तो बीच बीच में जो समालोचन चल रहा था और जो अमृत वचन और सुंदर गीत आपने सुना या स्वयंसेवकों ने जो सांघिक गीत गाया उससे ऐसे कार्यक्रम के समय जो विचार करना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए वो सब पूरा हो जाता है। परंतु सबने अपना अपना काम किया है। इन बालक स्वयंसेवकों ने पिछले कई दिनों से जो मेहनत की है, मैं 3-4 दिन था नागपुर में तो देख रहा था, उनके शिक्षकों ने भी परिश्रम किया है। इस कार्यक्रम की योजना में सबने अपना अपना काम किया है। मुझे भी ये काम दिया है कि आप थोड़ा सा बोलिए, तो इसलिए उसी गीत का, उसी सांघिक गीत का, उसी अमृत वचन का सारांश जिसमें से व्यक्त होता है ऐसी कुछ कहानी मैं बताता हूं। कहानी तो बच्चे सुनते हैं लेकिन कहानी का बोध सबके लिए होता है। जो कार्यक्रम आपने देखे, कभी एक समय था जो अपने समाज के सामान्य बालक उन कार्यक्रमों के को करे ये एक आश्चर्य की बात थी, अंग्रेजी में कहते यूनिक ऐसी बात थी। अब ऐसा नहीं है, ये कार्यक्रम सर्वत्र होते हैं। परंतु अभी भी संघ के शाखा पर उन कार्यक्रमों से जिस प्रकार का स्वयंसेवक निर्माण होता है वैसा सब जगह नहीं होता, होना चाहिए। ऐसा होने में अगर कोई मदद हम कर सकते तो हम करेंगे, करते भी है, परंतु अभी नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो उसके चलते एक बात ध्यान में आती है, संघ के आद्य सर संघ चालक जी पूजनीय डॉक्टर जी, उनके बाद जो सरसंघ चालक बने पूजनीय श्री गुरु जी, उनके बाद जो सरसंघ चालक बने पूजनीय श्री बाला साहब देवरस, इन तीनों ने निसंदिग्ध रूप में एक बात कही है कि अपने संघ में कोई व्यक्ति हमारे सामने आदर्श नहीं है, हमारे सामने आदर्श है भगवा ध्वज। हमारा आदर्श तत्व रूप है, उस तत्व का प्रतीक ये अपना भगवा झंडा है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।